हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जिस ट्रेंडिंग वायरल स्टेटस वीडियो को देखा, दोस्तों आज मैं आपको कुछ इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूं। और दोस्तों, आप यहां पर अपने खुद के फ़ोटो से कुछ इस तरह की स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने खुद के फ़ोटो से कुछ इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप लोग देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कान मास्टर ऐप की लिंक मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके कान मास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद कान मास्टर ऐप को ओपन करना है। कान मास्टर ऐप ओपन होने के बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको नॉन रेसोसिस्टी की साइज को सिलेक्ट करना है। आपको लेफ्ट साइड में सेटिंग वाला आइकन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। एडिटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको नीचे फिल स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको उस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले चार वॉलपेपरों को इसमें सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको इसमें चार फोटोओं को इसमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना है। लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसमें एक ब्लैक स्क्रीन साउंड वीडियो को सिलेक्ट करना है। गाइस, इस वीडियो को बनाने में जो भी इफेक्ट साउंड यूज होंगे, आपको उन सभी का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियो इफेक्ट और साउंड को डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से आपको साउंड वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इस वीडियो का साउंड निकाल लेना है। निकालने के लिए आपको यहाँ से नीचे जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एस्ट्रिक ऑडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही वीडियो का ऑडियो निकल कर आ जाएगा। आपको इस ब्लैक स्क्रीन वीडियो को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिल रहा है डिलीट वाले, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ब्लैक स्क्रीन वीडियो डिलीट हो जाएगी। आपको वॉलपेपर की लेयर को इस तरह से जूम करना है। जूम होने के बाद गाइस, आपको कुछ साउंड को सुनकर वॉलपेपर को सेट करना है। तो गाइस, हमारा फर्स्ट साउंड यहाँ पर आ रहा है। यहाँ से आपको वॉलपेपर को कट करना है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट साउंड हमारा यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर हम वॉलपेपर को सेट कर लेंगे। यहाँ से आपको इसको डन करना है। अब गाइस, आपको वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। अब सेकंड साउंड गाइस हमारा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से आपको वॉलपेपर को कट करना है। वॉलपेपर पर आपको क्लिक करना है। कैची वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ड्रीम टू राइट टू पेड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर कट हो जाएगा। यहाँ से आपको इसको डन करना है। गाइस, आपको इसी तरह से साउंड को सुनते जाना है, वॉलपेपर को सेट कर लेना है। तो चलिए हम जल्दी से कर लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने चारों वॉलपेपर को सेट कर लिया है। आपको भी इसी तरह से वॉलपेपर को सेट करना है, साउंड को सुनते जाना है और वॉलपेपर को सेट करना है। अब गाइस, यहाँ से आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडिटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिला डिफॉल्ट डायरेक्शन ऑफ फोटो क्लिप, आपको इसकी डायरेक्शन को 0.2 पर सेट करना है। इस तरह से आपको 0.2 पर सेट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस, आपको इस समय 12 वॉलपेपरों को इसमें सेलेक्ट करना है। तो गाइस, आपको इस तरह से 12 वॉलपेपरों को सिलेक्ट करना है। फिर से सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद एडिटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसकी डायरेक्शन को 2.5 पर सेट करना है। यहाँ से आपको इसको डन करना है। अब यहाँ से गाइस, आपको इसमें चार वॉलपेपरों को सिलेक्ट करना है। मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस, आपको चार वॉलपेपरों को सिलेक्ट करना है। अब गाइस, आपको इसी तरह से साउंड को सुनते जाना है और वॉलपेपर को सेट करना है। तो हमारा साउंड, पहला साउंड यहाँ पर आएगा। यहाँ से आपको वॉलपेपर को कट करना है। क्लिक करना है वॉलपेपर पर, क्लिक करना है। कैची वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ट्रिम टू राइट टू पेड पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको वॉलपेपर को कट करना है। अब वीडियो को आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। यहाँ पर हमारा एक साउंड आएगा। यहाँ से आपको वॉलपेपर को कट करना है। यहाँ पर हमारा एक साउंड आएगा। यहाँ से हम वॉलपेपर को सेट कर देंगे। हम गाइस, आपको वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। गाइस, हमारा एक साउंड यहाँ पर आएगा। यहाँ से हम वॉलपेपर को कट कर देंगे। इस तरह से आपको वॉलपेपर को कट करना है। गाइस, आप साउंड को सुनकर भी वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं। अब गाइस, आपको फिर से सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद एडिटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसकी डायरेक्शन को 0.2 पर सेट करना है। इस तरह से यहाँ से आपको इसको डन करना है। अब गाइस, आपको फिर से मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको 12 वॉलपेपर को इसमें सेलेक्ट करना है।
तो गाइस आपको इस तरह से 12 वाल पेपरों को सिलेक्ट करना है। अब गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो 25 सेकंड की यहाँ पर बन चुकी है। अब गाइस आपको वाल पेपर की लेयर को इस तरह से जूम करना है, इस तरह से आपको वाल पेपर की लेयर को जूम कर लेना है। आपको गाइस फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना है, फर्स्ट वॉलपेपर पर क्लिक करना है, क्लिप ग्राब इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको नीचे चले जाना है, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गेट मोर, इस पर आपको क्लिक करना है। इन एमिनेशन क्लिप ग्राब इस डाउनलोड होने के बाद आपको इन एमिनेशन वाले क्लिप ग्राब इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको 29 नंबर वाले क्लिप ग्राब इसको इसमें लगा देना है। यहाँ से आपको इसको डन करना है। सेकेंड वॉलपेपर पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद आपको इसमें कॉल मीडिया वाले क्लिप ग्राब इसको लगाना है। गाइस अगर आपके कानमास्टर ऐप में कॉल मीडिया वाला क्लिप ग्राब ऐड नहीं है तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उसमें मैंने बताया है कि आप कॉल मीडिया वाले क्लिप ग्राब इसको कानमास्टर ऐप में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आपको देख लेना है और कॉल मीडिया वाले क्लिप ग्राब इसको ऐड कर लेना है। गाइस आपको इसी तरह से बाकी बचे 3 वाल पेपर में कॉल मीडिया वाले क्लिप ग्राब इसको लगाना है। इस तरह से आपको इसको लगा देना है। आपने जो 12 वाल पेपर यहाँ पर सिलेक्ट किए थे आपको इनमें इन एमिनेशन वाले क्लिप ग्राब इसको लगाना है। इस तरह से आपको इन एमिनेशन क्लिप ग्राब इसमें जाकर 7 नंबर वाले क्लिप ग्राब इसको लगाना है। इसी तरह से गाइस आपको सभी 12 वाल पेपरों में 7 नंबर वाले क्लिप ग्राब इसको लगा देना है। तो चलिए हम जल्दी से लगा देते हैं। गाइस आपके जो ये 4 वाल पेपर हैं इनमें भी आपको क्लिप ग्राब इसको लगाना है। तो आपको वाल पेपर पर क्लिक करना है, क्लिप ग्राब इस पर क्लिक करना है। इनमें आपको कॉल मीडिया वाले क्लिप ग्राब इसको लगाना है। तो गाइस आपको 4 वाल पेपरों में कॉल मीडिया वाले क्लिप ग्राब इसको लगा देना है। तो चलिए हम लगा देते हैं। इसी तरह से गाइस आपको कॉल मीडिया वाले क्लिप ग्राब इसको लगा देना है। अब गाइस आपके जो फिर से ये 12 वाल पेपर हैं इनमें आपको इन एमिनेशन वाले क्लिप ग्राब इसको लगाना है। आपको इनमें 9 नंबर वाले क्लिप ग्राब इसको लगाना है। इस तरह से आपको 9 नंबर वाले क्लिप ग्राब इसको लगा देना है। तो चलिए हम जल्दी से लगा देते हैं। गाइस आप देख सकते हैं मैंने सभी 12 वाल पेपरों में क्लिप ग्राब इसको लगा दिया है, आपको भी इसी तरह से लगा देना है। अब गाइस आपको वाल पेपर की लेयर को जूम आउट करना है। इस तरह से आपको वाल पेपर की लेयर को जूम आउट कर लेना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपने जो ये पहले नंबर में 12 वाल पेपरों को सिलेक्ट किया था यहाँ पर आपको आना है। आने के बाद आपको लेयर पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसमें एक इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो फुल स्क्रीन में लग जाएगी। आपको स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको नीचे चले जाना है, नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको इसको डन करना है। जहाँ से गाइस आपके 12 वाल पेपर ख़त्म हो रहा है यहाँ से आपको इफेक्ट वीडियो को कट करना है। इफेक्ट वीडियो पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद कैची वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ट्रिम टू डार्क टू पेड पर क्लिक करना है। इसी तरह से आपको इस इफेक्ट को लगा देना है। गाइस आपको वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। आपने जहाँ से 12 वाले पेपरों को सिलेक्ट किया था आपको यहाँ से भी इस वाले इफेक्ट को लगा देना है। तो चलिए हम लगा देते हैं। इसी तरह से गाइस आपको इफेक्ट को लगाते जाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस वाले इफेक्ट को भी लगा दिया है। यहाँ से गाइस आपको इसको कट कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब आपको फर्स्ट पोजीशन पर आना है, लेयर पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इस समय एक पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको फुल स्क्रीन में लगा लेना है। इस तरह से आप खींच कर इसको फुल स्क्रीन में लगा सकते हैं। यहाँ से आपको नीचे चले जाना है, नीचे का ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है। स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। लेयर पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इस समय एक और इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको इसको सिलेक्ट करना है, खींच कर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा लेना है। यहाँ से आपको नीचे चले जाना है, नीचे का ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है। स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको इसको डन कर देना है।
अब गाइस आपको लास्ट बार ले अपले करना है, क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इस समय एक बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है, इस तरह से आपको बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी बॉर्डर लाइन फुल स्क्रीन में लग जाएगी। आपको बॉर्डर लाइन के लेयर को खींचकर वीडियो को लेयर के बराबर कर देना है। यहाँ से आपको इसको डन करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से अपनी फोटो लगाकर किसी वॉलपेपर को लगाकर न्यू ट्रेंडिंग वायरल स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।